हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज हम बीकॉम सेम 4 कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको यहां पर ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5, इसमें हमें नफ़ा ढूंढना होता है। एकम पड़तर बीकॉम सेम 4 चैप्टर का नाम है एकम पड़तर। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, चैप्टर का नाम है एकम पड़तर। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एकम पड़तर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि और भी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसके पहले भी मैं और भी काफ़ी ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम्पल नंबर 5 यहाँ पर रकम दी हुई है, 2011 की रकम दी हुई है। इसमें पड़तर पत्रक तैयार करने का हमें यहाँ पर बोला है। इसमें ये टोटल यहाँ पर हमें ढूंढने का बोला है। मैं आपको एक फॉर्मेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर ऊपर दिया हुआ है कच्चा माल नो स्टॉक। पहले तो आपको ये फॉर्मेट बना लेना है ऐसा, ये विगत रकम और कुल पड़तर, ये आपको फॉर्मेट बना लेना है। विगत रकम करके आपको फॉर्मेट बना लेना है। और इसके ये सैम ये स्टेप टू स्टेप यहाँ पर हमें लिखना होता है। इसके लिए फॉर्मेट है जो मैं पहले बना चुका हूँ, इसके बारे में वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कच्चा माल का स्टॉक। कच्चा माल का स्टॉक ये 2010 का है और ये 2011 का है। मतलब ये 2000 ये हमारा शुरू का स्टॉक और ये है ये आखिर का स्टॉक हुआ। तो कच्चा माल का स्टॉक ये हमें 80,000 दिया हुआ है। तो देखिए, ये कच्चा माल का स्टॉक 80,000। इसके बाद हमें ये इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कच्चा माल की खरीदी 14,20,000। तो हमने यहाँ पर लिख दी कच्चा माल की खरीदी 14,20,000। ये दोनों का प्लस करें हमने तो 15,00,000 हमारा आया। इसके बाद हमें यहाँ पर कच्चा माल का स्टॉक ये हमने शुरुआत के तो ले लिया, अब हमें आखिर का स्टॉक लेना है 90,000। तो कच्चा माल का आखिर का स्टॉक 90,000, इसको हमें माइनस करना होता है। तो हमारा ये आंसर आएगा 14,10,000। इसके बाद हमें यहाँ पर एक नीचे दिया हुआ है प्रत्यक्ष मजूरी। प्रत्यक्ष मजूरी हमें यहाँ पर दी हुई है 6,90,000। तो ये भी हमें माइनस करनी होती है प्रत्यक्ष मजूरी, अरे ये प्लस करनी होती है प्रत्यक्ष मजूरी 6,20,000। तो हमने दोनों का प्लस करा तो ये हमारा आया 21,00,000। ये हमें प्राथमिक पड़तर मिल गई। इसके बाद हमें कारखाना परोक्ष कर्जा ढूंढना होता है। कारखाना परोक्ष कर्जा हमें यहाँ पर ढूंढना होता है। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है अर्ध तैयार माल का स्टॉक दिया हुआ है शुरुआत का 30,000। तो अर्ध तैयार माल का शुरुआत का स्टॉक 30,000 और आखिर का स्टॉक हमें यहाँ पर दिया हुआ है 40,000। तो शुरुआत का स्टॉक हम यहाँ पर प्लस करेंगे और आखिर का स्टॉक हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो हमारा ये आंसर आएगा कारखाना पड़तर हमें आएगी 23,20,000। इसके बाद बात करते हैं वही वीडियो और ऑफिस खर्चा की। ऑफिस खर्चा हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2,32,000। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ऑफिस खर्चा 2,32,000, ये हमें प्लस होगा। और इसके बाद तैयार माल का शुरुआत का स्टॉक लेना होता है हमें। तो तैयार माल का शुरुआत का स्टॉक ये हमें शुरुआत का स्टॉक है और ये आखिर का स्टॉक है। शुरुआत का स्टॉक फिर से मैं आपको बता दूँ कि शुरुआत का स्टॉक प्लस करना होता है और आखिर का स्टॉक माइनस करना होता है। तो शुरुआत का स्टॉक हमने यहाँ पर प्लस किया है 1,60,000 और उसमें से तैयार माल का आखिर का स्टॉक हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर आया 26,00,000 हमारा यहाँ पर आंसर आया। इसके बाद
टोटल हम यहाँ तक कंप्लीट हो जाए, ये हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है वेचाण परोक्ष खर्चा और वितरण परोक्ष खर्चा, ये दोनों खर्चे हमें यहाँ पर लिखना होता है। वेचाण परोक्ष खर्चा 1,60,000 और वितरण परोक्ष खर्चा 40,000, जो दिया है वैसा ही हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो दो ये टोटल 2,00,000 हुआ, इसको भी हम यहाँ से प्लस कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर वेचाण दिया हुआ है 35,00,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेचाण 35,00,000। ठीक है, अब 28,00,000 में से हम यहाँ 35,00,000 में से हम यहाँ 28,00,000 माइनस करेंगे, मतलब वेचाण में से वेचाण पर तो हम माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7,00,000। मतलब ये टोटल हमारा नफा हुआ 7,00,000। तो दोस्तों ये वीडियो आप बीकॉम M4 वाले के लिए इम्पोर्टेंट था, और ये काफ़ी थोड़ा सी लेंदी है। वैसे तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सी लेंदी है। आप एक बार सिर्फ आपको ये कोष्टक याद कर लेना, ये स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है वो आपको सिर्फ देख लेना है एक बार, तो आपको दिमाग में बैठ ही आएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल से दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आने वाली वीडियो पाने के लिए अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही किस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।